And welcome to the channel, friends. Hope you guys are absolutely fine and enjoying. So, जैसा कि आपने इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पढ़ा, डोंट लूज द होप. सो हमको होप लूज नहीं करनी है, हमको हिम्मत नहीं हारनी है. वैसे गर्मी इतनी पड़ रही है, सो क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बट चलो देखते हैं. सो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट द डोंट लूज द होप. ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चे, जिनके छोटे भाई बहन, भाया भतीजे, भांजे भांजिया जो भी हैं. इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज गार्जियंस जिनके बच्चे 10th या 12th क्लास में हैं. आज 10th ऑफ मई है 2019 और रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं. मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड फिंगर क्रॉस. अभी रिसेंटली पिछले 3-4 घंटा भर में CBSE बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट्स आए हैं और ऐसा कुछ भी सुनने नहीं आया जो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो. मींस ऐसा कुछ भी सुनने नहीं आया कि रिजल्ट देख के बच्चों ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. और रिसेंटली आज के ही दिन शायद छत्तीसगढ़ बोर्ड के भी 10th या 12th ऐसे ही किसी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट भी आ गए हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली जैसे मैं शहडोल में बात कर रहा हूँ, सो इट्स एन MP और बहुत जल्दी MP बोर्ड के भी रिजल्ट आने वाले हैं. बातें चल रही हैं, न्यूज़ आ रही है. सो यूजली होता क्या है कि रिजल्ट आते हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती हैं कि फेल हो गया बच्चा या फिर कम मार्क्स आए या फिर उतने मार्क्स नहीं आए जितने अंदाज था, जितना हम सोचते थे कि आने चाहिए. और बच्चे ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोस्त, वो सभी पेरेंट्स, वो सभी बड़े गार्जियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दैट ओनली. अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है, सो बहुत अच्छी बात है और आगे भी हम चाहते हैं ऐसी कोई भी खबर नहीं आए. लास्ट के कुछ ईयर्स में ऐसी खबर आई थी, सो इसीलिए ये वीडियो बनाना थोड़ा और भी ज़रूरी हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो बेसिकली इस सिचुएशन में करना क्या है. सो बेसिकली इस सिचुएशन में होता क्या है कि बड़ा डिप्रेसिंग सा मोमेंट होता है. एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की बहुत हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पटिशन अराउंड, और सारी सुख सुविधाएँ देने के बावजूद कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे रीजंस हैं, वट एवर द रीजंस, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है, बट परफॉर्मेंस उनके लेवल का नहीं हो पाता है जैसा वो सोच रहे होते हैं. सो इन दैट सिचुएशन डिप्रेसिंग मोमेंट होता है और बच्चे ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. सो बड़े जो गार्जियंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एट दीज मोमेंट ऑफ टाइम जब रिजल्ट आते हैं कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करें. उनको आप ज़रूर बताएं कि दिस इज़ नॉट अ लास्ट एग्ज़ाम, ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है आपकी लाइफ का जहाँ पे आपको बैठना है और यहाँ पे हार और जीत का फाइनल है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आपको समझाना है कि आगे और भी मौके हैं, हम इस गलती को सुधार सकते हैं. ये ऐसी कोई गलती नहीं है जिससे पूरे लाइफ का डिसीजन हो जाएगा. सो इस बात को लेके बहुत केयरफुल रहें सारे गार्जियंस. अभी तक ऐसी भगवान की दया से कोई खबर नहीं आई और मैं मनाता हूँ ऐसी कोई नहीं आएगी, और विश्वास है मुझे कि ऐसी कोई खबर नहीं आएगी. लेकिन फिर भी सचेत रहें सारे गार्जियंस. एक आध दो दिन में MP बोर्ड के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया CBSE के तो आगे 10th और 12th के, MP बोर्ड के बच्चे हैं. सो इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल गार्जियंस, ध्यान रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, काउंसलिंग करें उनकी, और एट द टाइम व्हेन रिजल्ट्स ओपन्स, जैसे ही रिजल्ट्स आता है एट दैट टाइम उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आपको उनके काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से हताश ना हो, डिप्रेस ना हो, ये ज़रूर देखें. और बच्चों को भी, जो भी 10th और 12th के बच्चे मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा, इट्स नॉट अ लास्ट एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ. आप बहुत अच्छा कर लोगे, अगर बहुत अच्छा किए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है. सो द थिंग इज़ दैट हम उस कमी को पूरा करें एंड गो अहेड. उस कमी को पूरा करने के बाद हम डेफिनेटली हमारे लिए एक सीख हो जाएगी, हम आगे आने वाले लोगों को भी बताएंगे इस पॉइंट पे गड़बड़ होती है. सो अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे, सो आप लोग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो, दुखी हो. इट्स नॉट अ लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ. सो बी केयरफुल और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. सॉरी एग्जाम्स बोल रहा हूँ, एग्जाम्स तो हो गए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड आई होप सबके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ. और जो भी मुझे शेडोर में देख रहे हैं, जानते हैं, डेफिनेटली मुझे मिठाई ज़रूर खिलाना. कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपके घर आ जाऊँगा. और इन केस एनी ऑफ सच साइकोलॉजिकल या फिर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ज़रूर बताएं. भगवान की दया से मुझे शहरों में स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं. सो आई विल गो फॉर दैट ट्रीटमेंट एज वेल कि काउंसलिंग में कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये ऑल दीज थिंग्स. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आने से ज़्यादा आप इस पर अमल करेंगे, आप इस वीडियो का फ़ायदा लेंगे फॉर सेफ्टी ऑफ योर चिल्ड्रंस. जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबाएं, सो यू विल नॉट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर. और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और आप अगर कुछ दिक्कत में हैं या फिर इस तरह की कोई भी परेशानी आपके साथ है, प्लीज़ बताएं, विल डिस्कस एंड विल सॉल्व इट. सो थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ. दिस इज संजीव सोनी. जय हिंद.